सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं बना रहा, ये बना रहा है पंकज, क्योंकि फोन पता नहीं किसके हाथ आएगा। तो चलिए, फोन अभी डिसाइड नहीं हुआ किसके लिए आया है, बाकी अनबॉक्सिंग की ये करेगा, जो भी अनबॉक्सिंग है ज्ञान देगा इसके बारे में। फोन देख लो कौन सा है, बाकी देखते हैं कैसे अनबॉक्सिंग करता है। चलो करते हैं वीडियो पूरा, अभी तो मेरे को पता नहीं है वैसे। कोई नहीं, जो भी पता हो बता देंगे आपको हम। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो, सो गाइस, आ चुका हमारे पास में अपना नया फोन Samsung Galaxy S20 FE 5G। सुना तो बहुत है फोन के बारे में, देखते हैं कैसा। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। एप्पल वाला होता तो मजा आ जाता है उठाने वाला है। ये है, ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक है फोन का। बैक में आपको प्लास्टिक बैग मिलता है, प्लास्टिक मगर इसमें प्रीमियम वाला यूज किया गया है। सो गाइस, अब निकाल लेते पीछे के स्लिप को, उतार देते हैं। ये देखिए चमक, फोन बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे लुक, और हाथ में प्रीमियम फील हो रहा है। तो बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। इसमें जैसे कि बेसिकली ये आपका ट्रिपल कैमरा सेटअप में आपका फ़ोन आता है। इसमें आपको 12 MP का मेन कैमरा मिल जाता है, 8 MP का एक कैमरा दे रखा है, 12 MP का एक कैमरा दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस के लिए दे रखा है, ये जूमिंग के लिए। और इसमें फ्रंट कैमरे की, इसके फ्रंट कैमरे में हमको 32 MP का कैमरा दिया गया है, जिससे बड़ी ही अच्छी सेल्फी क्लिक हो जाती है, नेचुरल कलर्स देता है ये। ओप्पो वीवो की तरह ये आर्टिफिशियल कलर इसमें ऐड नहीं करता है, क्योंकि सैमसंग है, क्वालिटी दी गई है, बड़ा अच्छा इसका डिस्प्ले भी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हमको ऊपर की साइड मिलता है सिम ट्रे, जिसमें आप 2 सिम डाल सकते हैं, या फिर एक सिम या एक हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए। बाकी फोन में 128 GB मेमोरी आपको प्रोवाइड हो जाती है, इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, बट जिनका व्लॉगिंग का काम है या फिर इस टाइप का काम है उसको जरूरत पड़ सकती है। और नीचे में यहाँ पे दिया गया है हमको एक सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट, प्लस इसमें एक स्पीकर दिया गया है, और इसमें आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, 2 माइक्रोफोन ऊपर मिल जाते हैं। सो गाइस, में हमें 3.5 mm का जैक मिसिंग मिलता है, जो कि बहुत ही ख़राब बात लगी मुझे, क्योंकि 3.5 mm जैक हम सबका प्यारा है, वो ज़रूरी होना चाहिए था, क्योंकि जितनी भी लीड आती है उसमें 3.5 mm जैक ही नॉर्मली आता है। सो गाइस, अंदर देख लेते क्या क्या एक्सेसरीज हैं। अब हमको मिलता है एक इसमें सैमसंग की तरफ से चार्जर 15 वॉट का, फास्ट चार्जिंग फ़ोन में सपोर्ट करता है 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग, बट इसमें हमें चार्जर 15 वॉट का दिया। ये चिंदी चोरी करी है थोड़ी कंपनी ने, पता नहीं क्यों ऐसा, बट देख लेते हैं। फिर भी कर देता है 1.5 घंटे के आसपास ये भी फ़ोन को चार्ज कर देता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पूरे दिन चल जाएगा नॉर्मल यूज में। और हैवी यूजेज करते तो आपको एक बार फ़ोन दिन में चार्ज करना पड़ जाएगा। और ये कैसे खुलेगा इसको देख लेता हूँ मैं, अभी मैं देख रहा था इसको कहाँ से खुलेगा, बट इसमें तो सिस्टम ही अलग है, इसको किनारे जैसे निकालना है, कुछ भी कर देते कंपनी वाले डिजाइन के लिए। सो गाइस, ये आता है एक कनेक्टर के साथ सी टाइप चार्जिंग केबल, जो कि आपके फ़ोन को चार्ज करेगी। सो गाइस, एक चीज़ इसमें रह गई थी, यूज़र मैनुअल, जो कि हर एक कंपनी देती है, यूजलेस चीज, सबको चलाने आते हैं आजकल फ़ोन। ये है यूज़र मैनुअल, एक बुक है, वारंटी कार्ड है इसमें, और क्विक स्टार्ट गाइड, ये गाइड तो कोई भी कर लेगा। सिम इजेक्टर बड़ा अच्छा दिया हुआ है, प्यारा सा, सैमसंग ने ये चीज़ तो अच्छी की है इसमें। ये देखिए अलग ही एक लुक आता है आपका। इस टाइप की थी कुछ अनबॉक्सिंग, अब हो चुका है खाली, अब इसमें कुछ भी नहीं है, जो सामने निकाल दिया, अब इसको पैक कर दिया। इस पीछे दिखने में तो फ़ोन थोड़ा प्रीमियम सा है, अच्छा लुक है, प्लास्टिक और ग्रिप भी बड़ी अच्छी बन रही है। देखते हैं फ़ोन को बूट करके, देख लेते हैं इसमें अंदर से प्रीमियम है या नहीं है। फ़ोन के बारे में सुना तो बहुत है। ये आ गया आपका सैमसंग FE। सो गाइस, फ़ोन हो चुका है स्टार्ट, पूरा बूट हो चुका है। इसमें कुछ आपको सैमसंग की ऐप मिल जाएंगी, और एक फेसबुक, नेटफ्लिक्स इस टाइप की मिलेंगे, मतलब ज़्यादा कुछ कबाड़ है नहीं, जो होता है पहले तो टिकटॉक वाला कबाड़ था, अब तो टिकटॉक तो है ही नहीं। बाकी सही है, फ़ोन बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब चलाने में फील अच्छा हो रहा है। इसका रिफ्रेश रेट बड़ा अच्छा है, स्क्रीन का 240 अराउंड है शायद, और 120 का रिफ्रेश रेट इसमें दिया गया फ़ोन में। ये देखिए अपना आप अपडेट मारने लग गया, वेटिंग फॉर वाईफाई। चलिए हम देख लेते हैं जिस पर्पज़ के हमने फ़ोन मंगाया, मेन है व्लॉगिंग पर्पज़,
इसका देख लेते कैमरा कैसा है। अभी तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, इसको सेट कर लेता हूँ मैं। बहुत सारे ऑप्शन दे देता है, बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग। ये देखिए प्रो वीडियो, ये वो, सुपर स्लो मोशन, स्लो मोशन, हाइपर लैप्स, पोर्ट्रेट, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसमें। तो गाइस के कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपको फोटो के सैंपल दिखाऊंगा, देखते हैं कैसा है कैमरा। अभी नाइट हो रही है तो नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो नाइट में बताऊंगा इसकी फोटोज कैसी हैं, और नाइट मोड में भी चेक करूंगा इसकी फोटो कैसी है। तो गाइस कुछ इस टाइप का है इसका मैक्रो मोड, और ये है इसका वाइड एंगल। सही है वैसे, काफ़ी अच्छी रेंज कैप्चर कर रहा है वाइड एंगल में भी। तो इसमें गाइस सबसे मैक्सिमम जूम दे रखा हमको 30x पे, तो देखिए 30x देख लेते हैं करके। ओ भाई क्लियरिटी तो बिठाई दी बिल्कुल इसने, क्योंकि नाइट का टाइम है, कोई भी फ़ोन इतनी अच्छी क्लियरिटी दे नहीं पाता नाइट में। बाकी आप देख सकते हैं ऊपर हमको एक सैंपल भी दे रहा है कि हमारा कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको बता रहा है। सो गाइस कुछ इस टाइप का था हमारा इसका रिव्यू। कैमरा परफॉर्मेंस भी मैंने इसका नाइट का देख लिया है, उससे कुछ सैंपल शॉट्स आपको दे दिए हैं। तो आपको बाकी डे में मेरा भाई व्लॉग बनाता है, उसमें आपको उसके सैंपल्स भी दिखा देंगे डे में किस टाइप का इसका कैमरा है, व्लॉगिंग में कैमरा कैसे यूज, मतलब कोई व्लॉगर भी आप ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा किस टाइप का है, तो वो भी ले सकता है इस फोन को। अभी देखते हैं कैसा कैमरा है। बाकी इसकी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, डिस्प्ले में तो सैमसंग बड़ा अच्छा है, उसमें तो कोई है नहीं शक। तो चलिए कुछ इस टाइप की थी अनबॉक्सिंग की वीडियो, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। ये डब्बा था, इसे खोल दिया, फोन आ गया। अब देखते हैं इसमें कैसा रहता है इसका, हमारा फीडबैक देंगे आपको। ओके चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक भी कर लीजिए। बस यही थी कुछ वीडियो, बाकी पंकज ने फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग करी, बताना कैसी लगी, घबरा सा रहा था या अच्छे से करी, कैसी करी नहीं करी। बाकी एडिटिंग का काम तो मैंने ही करना सारा है ना। तो ये था हमारे पास फोन, बाकी कई लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा, ये हाथ के मैल हो गए करके अपना ले लेते हैं, बस हमारे लिए तो बहुत ही वो है। बाकी हमने EMI पे ले रखा है, ठीक है, तो हमको बहुत समय लगेगा अभी इसको पूरा अपना मालिकाना हक तो वैसे हो गया है, पर फिर भी पेमेंट तो करनी है। बाकी बताना कैसा लगा आपको, बाकी इसका रिव्यू मिलता रहेगा आपको ब्लॉग ब्लॉग में, कैसा है फोन कैसा नहीं है। तो चलिए बस यही था आज की वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अनबॉक्सिंग हो, ये एक अनबॉक्सिंग और हो सकती है, हो गए धमाकेदार, वो होएगी तो आपको पता लग जाएगा। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो।